उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की गहमा गहमी तेज हो गई है विधान परिषद की तेरह सीटों पर वोटिंग 21 मार्च को होगी इस बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं बता दें कि कैबिनेट विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया है मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को बलिया पहुंचे थे उन्होंने कहा कि चार प्रत्याशियों के नाम दिल्ली लेकर जाएंगे बीजेपी आलाकमान के साथ विधान परिषद उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी योगी सरकार में नए मंत्री ओम प्रकाश राजभर का गब्बर वाला बयान सुर्खियों में था गब्बर वाले बयान के सवाल पर उन्होंने पत्रकार को सपा का एजेंट बताया उन्होंने पत्रकार को बेरोजगारी शिक्षा समाज में असमानता पर सवाल पूछने की चुनौती दी ओम प्रकाश राजभर ने खुद को खलनायक नहीं बल्कि नायक माना मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने सुभाषपा कार्यकर्ता को संबोधित किया था मोहम्मदाबाद की सभा में उन्होंने कहा था कि थाने में सफेद गमछा के साथ मत जाओ बल्कि पीला गमछा लगाओ पीला गमछा पहनकर थाने में जाने पर दरोगा को ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा आगे उन्होंने कहा था कि दरोगा डीएम एसपी में पावर नहीं है फोन लगाकर पूछने की कि मंत्री ने भेजा है फिल्म शोले में गब्बर था मुझे भी गब्बर समझ लो ओम प्रकाश राजभर का गब्बर वाला बयान चर्चित हो गया पत्रकार के सवाल पूछने पर उन्होंने अखिलेश यादव का एजेंट बताया बता दें कि सुभाष पर लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर के लंबे समय से मंत्री बनने की आस अब जाकर पूरी हुई लेकिन अब जिस तरीके से आस पूरी हुई है उसको लेकर यथास्थिति बनी हुई है की क्या आगे उन्हें और भी जिम्मेदारियां मिलेंगी या सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी उनके लिए काफी है यानी एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को तवज्जो तो दे रही है लेकिन सोच समझकर इससे पहले भी चर्चा थी कि सुभाषपा चाहती थी कि वह उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे जबकि उनको एक ही सीट मिली है वो है घोषी और उस सीट से उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को आय किया लेकिन वहां पर भाजपा के कई नेता नाराज हो गए हैं अब देखते हैं किस तरीके से ओपी राजभर बीजेपी के लिए नई मुसीबत पैदा करते नजर आएंगे बने रहे चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद